अस्सलाम वालेकुम। तिल और मूंगफली के चिक्की और लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। सर्दियों में इसे खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं मूँगफली ले ली हूँ। तो एक कप मूँगफली के दाने लेकर इसे रोस्ट कर ली थी और उसके बाद इसका छिलका उतार ली हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन है। अब मैं इसे दरदरा सा कूट लूँगी, तो बिल्कुल पाउडर नहीं करना है इसे, बस हल्का सा मोटा मोटा ही कूट ली हूँ। देखिए इस तरह से हमें कूट लेना है। तो ये तैयार है, इसे रखूँगी साइड में। और अब मैं एक पैन ले ली हूँ, गैस को ऑन कर दी हूँ और अब मैं डालूँगी इसमें तिल। तो मैं 250 ग्राम तिल ले ली हूँ। जो मूँगफली था वो 100 ग्राम के करीब में था और ये 250 ग्राम है। मीडियम आंच पर इसे चलाते हुए भून लेना है। तो बस इसे बहुत ज़्यादा भूनना नहीं रहता है, हल्का सा ये फूलने लगे और चटकने लगे उतना ही हमें भूनना है। तो ये चटकने लगा है, इसे भूनते हुए लगभग 4 मिनट हुए हैं और मीडियम आंच पे ही इसे भून रही हूँ मैं। तो ये भून चुका है, अब मैं गैस को बंद कर दी हूँ और इसे निकाल लूँगी। तो एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख देना है, इसे साइड में रखूँगी। ये तैयार है, देख सकते हैं बढ़िया सा भून गया है ये। तो अब मैं वापस से उसी पैन को गर्म कर ली हूँ। इसमें डाली हूँ 1 बड़े चम्मच घी। घी के मेल्ट होते ही इसमें डालूँगी गुड़। तो 300 ग्राम मैं गुड़ ली हूँ, कप से ये 2 कप है। इसे मैं छोटा छोटा काट ली थी ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे चलाते हुए हमें मेल्ट करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये तले में लग जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से मेल्ट हो गया ये। तो यहाँ पर 3 मिनट हुए हैं इसे पकते हुए। अब मैं इसे पानी में डालकर चेक करूँगी। तो जो हमारा गुड़ है वो पानी में जाने के बाद चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो अभी ये चिपचिपा है, आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से ये खींच रहा है। तो ऐसा खींचना नहीं चाहिए वो। तो अभी ये हुआ नहीं है, थोड़ा देर और पकाऊंगी मैं इसे चलाते हुए। तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर दी हूँ और लो फ्लेम पर मैंने इसे पका ली हूँ 2 मिनट और। तो टोटल इसे पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं एक बार फिर से चेक करूँगी इसे पानी में डालकर। और ये देखें ये टूट रहा है, तो इस तरह से टूटना चाहिए। तो हमारा गुड़ यहाँ पे तैयार है। अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और उसके बाद इसमें डालूँगी तिल और साथ में मूंगफली के दाने भी डाल देना है और इसे जल्दी जल्दी चलाकर अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमें सारा प्रोसेस जो है वो जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि जैसे ये ठंडा हो जाएगा फिर हमें बहुत परेशानी हो जाएगी। तो जल्दी से इसे मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर ली हूँ और मैं इसे किसी ऐसे बर्तन पर डालूँगी जिस पर हम इसे बेल सकें। तो बड़ा सा बर्तन ले ली हूँ, तो इधर मैं एक ढक्कन ले ली हूँ बड़ा सा और उसके ऊपर से घी लगा देना है। और अब मैं इस पे सारा मिक्सचर डाल दूँगी, इसे हमें फटाफट फैला देना है। थोड़ा सा मैं बचा ली हूँ, इसका मैं लड्डू बनाऊँगी और इसे मैं हाथों से अच्छे से फैला दूँगी। हाथों में हल्का सा घी लगा लेना है और इसे अच्छे से सेट कर लेना है। और ध्यान रहे इसे तभी छूएगा जब ये हल्का सा छूने लायक हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म रहे तब मत छूएगा हाथ से, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो अब मैं इसे बेल लूँगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी हमें बेल लेना है। तो बेल के तैयार कर ली हूँ और अब हमें इसे काट भी लेना है, क्योंकि सूखने के बाद एक बार जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा फिर ये कटने वाला नहीं है। तो इस तरह से मैं कट लगा के छोड़ दूँगी इसे। तो जल्दी जल्दी हमें कट लगा लेना है। तो जितना बड़ा चाहिए आपको उतना बड़ा इसे कट लगा लें। इस तरह से काट ली हूँ और अभी ये बहुत गर्म है तो मैं इसे रख दूँगी ठंडा होने के लिए लगभग 1 घंटे के लिए। और ये जो मैं बचा के रखी थी इसका मैं बनाऊंगी छोटे छोटे लड्डू। तो इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार कर लेना है। बहुत आसानी से बन गया था इसका लड्डू, ये देखिए। तो जल्दी जल्दी हल्का सा गर्म है तभी हमें बना लेना है, जैसे जैसे ठंडा हो जाएगा इसे बनाना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से मैं लड्डू बना कर तैयार कर लूँगी। आप देख सकते हैं पैन में ढेर सारा चिपका हुआ है, तो इसे क्या करूँगी मैं गैस पे रखूँगी और हल्का सा गर्म करूँगी और इस तरह एक जगह जमा कर लूँगी सबको और अब मैं इसके लड्डू बना लूँगी। तो ये हल्का सा गर्म है तो जल्दी जल्दी हमें बना के तैयार कर लेना है। तो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, आप चाहे तो बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं, ये देखिए। तो इसी तरह सारे लड्डू बना के तैयार कर ली हूँ और मज़ेदार से लड्डू और चिक्की दोनों बन के तैयार हो गए हैं। तो चिक्की को भी रखे हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है, ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। इस तरह चाकू की मदद से इसे निकाल लूँगी और इसे तोड़ लूँगी। तो कट लगाने की वजह से देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाया वहाँ से आसानी से टूट जाएगा। तो इस तरह से हम तोड़ लेंगे, देख सकते हैं कितना बढ़िया बना है। तोड़ के दिखाती हूँ मैं, ये देखिए मज़ेदार सा हमारा चिक्की और लड्डू दोनों बनके तैयार है। तो देखा आपने, है ना इसे बनाना बहुत ही आसान। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।
वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।